टीचर से छात्र ने लिया बदला, साथियों से स्कूल टीचर पर करवाया हमला, पुलिस ने दो को लिया हिरासत में। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दसवीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र को टीचर का मारना इस कदर खटका कि उसने तीन नाबालिग साथियों की टीचर से बदला लेने के लिए मदद ली। किशोर के कहने पर तीन अन्य नाबालिग किशोरों ने टीचर के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद किशोर के भागने के वीडियो भी अब सामने आए हैं। धन्वंतरी नगर पुलिस चौकी ने हमला करने वाले किशोरों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवादित की ये घटना बुधवार 27 सितंबर की बताई जा रही है। पुलिस ने अभी तक दो किशोर को हिरासत में ले लिया है। ऐसे हुई विवाद की शुरुआत। जबलपुर के निजी स्कूल में दसवीं में पढ़ने वाला छात्र सभी को परेशान करता था। ना ही पढ़ाई में छात्र का मन लगे और ना ही अन्य एक्टिविटी में। एक बार छात्र को समझाई सी गई पर वह नहीं माना। छात्र की हरकतों से परेशान होकर स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को बुलाकर उनके बच्चे की शिकायत की। इसके बाद भी छात्र की हरकतों में कमी नहीं आई। थक हार कर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से नाम काट दिया। यह जानकारी बच्चे के पिता को लगी तो वह स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल से माफी मांगी। साथ ही भरोसा दिलाया कि अब बेटे की कभी शिकायत नहीं मिलेगी। पिता की विनती को अंतिम मौका देते हुए स्कूल प्रबंधन ने छात्र को फिर से एडमिशन दे दिया। बीते कुछ दिनों पहले छात्र ने फिर से स्कूल में परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। नाराज होकर टीचर अभय सुहाले ने किशोर की स्कूल में पिटाई कर दी। उस समय तो छात्र शांत रहा, लेकिन टीचर अभय से बदला लेने का मन उसने बना लिया था। किशोर ने पड़ोस में रहने वाले तीन नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया और सभी को शामिल किया। प्लान यह था कि जैसे ही स्कूल बस घर के पास आकर रुकती है, उसी बस में बैठे टीचर की तरफ मेरे द्वारा इशारा करते ही उन्हें सबक सिखाना है। 27 सितंबर बुधवार की दोपहर प्लान के मुताबिक जैसे ही स्कूल बस धन्वंतरी नगर कमेटी हॉल के पास पहुंची, तभी वहां पहले से मौजूद तीनों नाबालिग के दोस्त छिपे थे। इशारा देखते ही तीनों किशोर ने टीचर को बस से उतारा और उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर वहां से फरार हो गए। मारपीट में घायल हुए टीचर अभय ने पुलिस चौकी में चारों किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही बस में बैठे बच्चों से भी पूछताछ की। जांच में पुलिस ने पाया कि किशोर के कहने पर ही उसके तीन नाबालिग साथियों ने टीचर के साथ मारपीट की थी। एएसपी कमल मौर्य का कहना है कि टीचर की शिकायत पर किशोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जबकि शेष की तलाश जारी है। तो उस बस में एक टीचर भी थे उनके। उस टीचर के साथ एक अपचारी बालक का कोई विवाद था। टीचर ने उसको विगत कुछ समय पहले डांट डूट दिया था और पहले भी कुछ उसके साथ कुछ नाराजगी व्यक्त की होगी टीचर ने, पढ़ाई को लेकर के या किसी अन्य बात को लेकर के। तो उसी से वो बालक जो है नाराज था, तो उसने अपने दो तीन अन्य बालकों को, जो उनके दोस्त हैं वो भी अपचारी हैं, उनको की हेल्प ली और वो खुद दूसरी जगह खड़ा रहा छुप करके और इनको इसकार मान करके उस टीचर की मार पिटाई कराई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।